Thank you. Good afternoon, everyone. आप जानते हैं ये फिल्म मैंने जब देखी पहली बार, पहले तो मैंने देखा कि इतने सारे कभी मेरी फिल्म में नहीं लगे ये सब. ये फेदर्स जो हैं, ये जो लीव्स हैं, न्यूयॉर्क फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल, कनाडा, सब ये सब जगह गई है फिल्में और लोगों को पसंद आई है. तो मेरी कभी फिल्मों में ऐसा कभी लगा नहीं. तो मैंने कहा इसमें मुझे अपना नाम देना चाहिए. तो मैंने अपना इस फिल्म के अंदर नाम दिया. खैर वो तो मैंने मजाक के तौर पे कहा, लेकिन ये फिल्म को देखने के बाद एक 28 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ. एक पूरा जिसको कहते हैं ना, एक पूरा एक्टर मैंने कभी देखा है तो वो मैंने इस फिल्म के अंदर देखा. एक ऐसा रूप एक एक्टर का कि मुझे लगा कि ये वाकई में जो रोल परफॉर्म कर रहा है ये वाकई में ऐसा ही है. मुझे लगा ही नहीं एक सेकंड के लिए. 28 साल हो गए मुझे कभी इतनी अच्छी एक्टिंग किसी की नहीं लगी जितनी इस फिल्म में इस इंसान की लगी. मैंने अपनी फिल्मों में, इतने सारे फिल्में मैंने प्रोड्यूस की, मैंने कभी भी कहीं भी अपना नाम नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया. लेकिन ये 1.5 करोड़ में बनी फिल्म, इसमें मैंने अपना नाम दिया. और उसकी वजह है कि एक ऐसे एक्टर से मेरी मुलाकात हुई जिसको मैं कहूंगा कि इसे कहते हैं एक्टिंग. मैंने कभी नहीं देखी इससे सुंदर एक्टिंग, इससे रियल. और वो है, आप सब जानते हैं, स्वानंद. आप खैर अभी तो ये फिल्म रिलीज 27 जुलाई को होने वाली है, तभी आप लोग देख के कह सकते हैं. लेकिन मैंने इस फिल्म को देखा है, जितना भी मैं इसके बारे में कहूँ उतना कम है. और साथ में ये जो दो छोटे नौजवान हैं, इनकी ये पहली फिल्म है, स्वानंद की भी ये पहली फिल्म है. ये पहली फिल्म में इन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो मैं 130 फिल्मों में नहीं अभी तक कर पाया. ये वो लोग हैं. और वैसे भी मैं कहूँ मराठी सिनेमा की बात ही कुछ अलग है. मैंने कई मराठी सिनेमा, कई फिल्में देखी हैं. ये मेरी पहली फिल्म नहीं है. ये मतलब मैंने इससे पहले 72 माइल्स करके एक फिल्म थी, वो भी प्रोड्यूस की थी, लेकिन उसमें भी मैंने अपना नाम नहीं दिया, लेकिन इसमें दिया. और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपना नाम दिया इस पे. तो मैं बिफोर भावेक ओके मैं और कुछ कहूँ, मैं आपको ट्रेलर दिखाना चाहूँगा. आप वो ट्रेलर देखिए, पहली बार आप लोग देखने वाले हैं, तो ये हटा दीजिए प्लीज़.